नमस्कार, मैं मेघा आवाज न्यूज से। ले चलते हैं आपको आज की नई खबर की ओर, जहां भारत में आपराधिक न्याय की नई शुरुआत होने जा रही है। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू होंगे। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू होंगे। FIR दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई। आपको बता दें, आज से भारत आपराधिक न्याय की एक नई की शुरुआत कर रहा है। 1 जुलाई से देश में IPC, CRPC भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे, शायद ही तारीख पर तारीख के दिन भी अब खत्म हो जाए। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। आज से नए 3 आपराधिक कानून को लागू किया गया। हमारे साथ CEO सिरसागंज मौजूद है। थाना सिरसागंज परिसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो सर किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया और क्या बताया गया? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार द्वारा 3 जो नए कानून लाए गए, हालांकि कानून 3 नए जो विधान लाए गए हैं, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको आज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें क्या है कि आज हम थाना परिसर सिरसागंज में सभी संभ्रांत व्यक्ति, टीचर्स, नगरपालिका और सभी अधिकारीगण की मौजूदगी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया गया था। इसकी खूबियों के बारे में सभी लोगों से बताया गया, सभी लोगों को बताया गया। जैसे कि आज जो पुराने कानून थे, अब नए कानून में कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए, जैसे 0 FIR के बारे में बताया गया कि आप कहीं भी अगर कोई वादी होता है, पीड़ित होता है, तो कहीं से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में बताया गया, स्पीडी ट्रायल के बारे में बताया गया, तमाम ऐसे चीज़ों के बारे में आज अवेयरनेस प्रोग्राम थाना प्रभारी और सभी हमारे जो पुलिस अधिकारीगण, उनके द्वारा सभी लोगों को जागरूक किया गया। सर, क्या नगर में भी पैम्पलेट वगैरह और इसके दर पर जागरूकता अभियान चलाया गया, किस तरीके आपने रूट देखा? चूँकि आज से तो ये लागू हुआ है सारी चीज़ें, और धीरे धीरे सभी लोगों में एज ए समाचार पत्र के माध्यम से या पंपलेट के माध्यम से सभी लोगों को जो इसकी मुख्य विशेषता है उसके बारे में बताया जाएगा। प्रचार प्रसार लगातार जारी रहेगा और बाकी आगे इससे ज्यादा जारी रहेगा प्रोग्राम। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ CEO सेक्शन बताया कि लगातार प्रचार प्रसार जारी रहेगा। नगर में भी पैम्पलेट पोस्टरों के माध्यम से लोगों को नए 3 कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। सिरसागंज से आदित्य।